الذي بعث فينا أشرف الأنبياء والمرسلين ونشكره سبحانه على ما جعلنا من المسلمين ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في السماوات ولا في الأرض ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم الأرض على الله محمدا عبده ورسوله صلى الله عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا صدق الله العلي العظيم तशरीफ रखे आप हजरात सभी إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب تعالى فرما رہا ہے فاذكروني अज़कुर को अपने बंदों से कह रहा ए बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। बंदा खुदा का जिक्र करे और खुदा बंदे का चर्चा शुरू कर दे। इनाम जिक्र इलाही का इनाम कितना बड़ा इनाम। बंदों का जिक्र खुदा बंदों का चर्चा खुदा करे। रब ने पहले जिक्र करने का हुक्म दिया जिसने जिक्र शुरू किया जिक्र का शुरू करना ही इनाम है। जिसने हुक्म दिया था तुझे तौफीक ना देता तो जिक्र कैसे करता। जिक्र करने की तौफीक मिली यही इनाम। मगर करम बालाए करम मैं बड़ी तेजी से इख्तिसार के साथ कहते हुए बंदा खुदा के हुक्म को बजा लाते हुए जिक्र शुरू कर दे यही इनाम है कि उसे जिक्र की तौफीक मिल गई। करम बालाए करम ये कि जिक्र की तौफीक भी दी। बंदा जिक्र करे
अब खुदा उस बंदे का चर्चा भी कर रहा है। और खुदा के चर्चा करने की अहमियत का अंदाजा लगाओ। रब कह रहा है मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। किसी एक इलाके का हाकिम अपने मानने वालों से अगर कहे कि ये मेरे इलाके के वासियों, मेरे इलाके के बाशिंदों, तुम लोगों के पास जाके मेरे लिए कन्विंसिंग किया करो, मेरा प्रचार किया करो, मेरा जिक्र किया करो, मैं दुनियावी हुकूमत करने वालों की बात कर रहा हूं जिनकी हुकूमत एक जिले तक रहती है, अगर कुछ बढ़ गई तो एक सूबे तक होगी। तो इस सूबे का हाकिम अगर कहे कि एक प्रदेशवासियों, ये मेरे स्टेट के रहने वालों, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब जो लोग उस हाकिम की बात को मान के उसका प्रचार करते नजर आ रहे हैं, उसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि ये एक सूबे का सिर्फ मालिक है। ये हमारा ख्याल रखेगा तो एक सूबे तक ही इसकी हुकूमत महदूद। ये हमारा चर्चा करेगा तो एक सूबे तक ही चर्चा कर सकेगा। और आगे बढ़े अगर किसी मुल्क का वजीर आजम ये कहता नजर आए कुछ लोगों से कि तुम मेरा प्रचार करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तो अब जिसने भी उस वजीर आजम का प्रचार किया उसके लिए कन्विंसिंग की, वो जानता है कि 5 साल तक ये वजीर आजम मुझे जरूर याद रखेगा। क्योंकि दुनियावी हाकिमों का हाल यही कि 5 साल के बाद हुकूमतें बदल जाती हैं, दूसरा हाकिम आएगा, अब दूसरे का चर्चा होगा, चर्चे की मुद्दत 5 साल। और अगर कहीं बादशाहत पाई जा रही है सल्तनत, तो कह सकते हो कि जब तक बादशाह जिंदा है किसी मुल्क का राजा जब तक जीवित है, जब तक वो लाइफ पीरियड में है, तब तक अपनी कन्विंसिंग करने वालों, अपना जिक्र करने वाले, अपना चर्चा करने वाले, अपना प्रचार करने वालों को याद रखेगा, उनका प्रचार करता रहेगा। लेकिन उस बादशाह को मौत आनी है तो ये दुनियावी हुकूमत करने वाले जब किसी से अपना जिक्र कराएं तो उसका प्रचार 5 साल या अपनी जिंदगी तक प्रचार हुआ उस शख्स का, मगर उसकी एक हाथ, मगर खुदा कहता नजर आ रहा पर कुरूनी अकुरकुम, खुदा जिसका चर्चा कर दे उसकी शान क्या होगी। खुदा की हुकूमत 5 साल के लिए नहीं, किसी एक सूबे तक महदूद नहीं, एक मुल्क तक महदूद नहीं, बल्कि जमीन से लेकर आसमां तक, पहाड़ों की चोटियों से लेकर समंदर की गहराई तक, कायनात के जर्रे जर्रे पर खुदा की हुकूमत। और ऐसी हुकूमत के जिस हुकूमत का सवाल नहीं, तो जब उस खुदा ने मुहद्दिस आदम का चर्चा कर दिया तो हम समझ गए कि गोल्डन जुबली 50 साल की ही बात नहीं, मुहद्दिस आदम का चर्चा जब तक कायनात का वजूद है होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद, गुरुनी अदकुरकुम, ए बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। रिसाल को 50 साल हो गए, चर्चा आज भी कायम। रब ताला जिसका चर्चा कर दे उसके चर्चे को कोई मिटा नहीं। क्यों किया रब ने मुहद्दिस आजम का चर्चा, क्यों जश्न मनाया जा रहा मुहद्दिस आजम का? क्योंकि रब ने फरमाया था बंदे मेरा जिक्र कर मैं तेरा चर्चा करूंगा। शबो रोज मुहद्दिस आजम खुदा की बंदगी में गुजारते रहे, जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा के जिक्र में गुजारा, इसलिए उनका चर्चा हुआ। हम तो यह भी देखते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे भी खुदा के जिक्र करने वाले आए
उन्होंने खुदा का जिक्र किया, दुनिया से चले गए, आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता। ऐसे भी जाकिरीन हैं जिन्होंने सैकड़ों बरस खुदा की बंदगी की, खुदा का जिक्र किया, मगर आज उनका कोई नाम लेवा नहीं। तो ये कौन सा जिक्र है जिस जिक्र के बदले में खुदा बंदे का चर्चा करता है? सुम्मा यू दाओ लहुल कबूल का मुस्तहिक बनाता है। ये ऐसे बंदों की शोहरत रूए जमीन पर कायम कर दी जाती है। जाकिरीन बहुत आए, हर जाकिर का चर्चा नहीं। तो आखिर किस जाकिर के जिक्र को खुदा इतना पसंद करता है कि उसका चर्चा जाता है कि वो जिक्र जो दूसरे को जाकिर बना दे, वो इबादत जो दूसरों को आबिद बना दे, वो सजदा जो दूसरों को साजिद बना दे, वो जोहद जो दूसरों को जाहिद बना दे, वो बंदगी जो दूसरों को खुदा का बंदा बना दे? खुदा ऐसे जिक्र को ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए इस धरती पर ऐसे लोग आए। गोशा नशीनी उन्होंने अख्तियार की, जंगल की राह अख्तियार कर ली, खुदा का जिक्र पूरी जिंदगी करते रहे, खुदा उनसे राजी भी हो गया। लेकिन मौत के बाद दुनिया वाले उसे भूल गए, दुनिया में उसका चर्चा नहीं होता, दुनिया में उसका जश्न नहीं मनाया जाता, दुनिया में उसका जिक्र नहीं किया जाता। उसके जिक्र से उसको फायदा तो पहुंचा, रब राजी हो गया। अब मरने के बाद अल्लाह उसे जजा देगा, अल्लाह उसे इनाम देगा, अल्लाह जिक्र का बदला देगा, मगर दुनिया वाले भूल गए, क्योंकि दुनिया वाले उसी जाकिर को पसंद करते हैं जिसका जिक्र दूसरे को जाकिर बना दे। तो इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है कि इस धरती पर 5000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो मुहद्दिस आजम की बारगाह में जब आए थे तो काफिर बन के आए थे, वापस जा रहे थे तो खुदा का जाकिर बन के जा रहे थे। ऐसा जिक्र, ऐसी बंदगी की मोहर दिसे आदमी आज ये छाते मारता हुआ मदरसा किसके लिए जमा? आज के लिए जो 50 साल पहले ऐसा जिक्र करके गई, ऐसी बंदगी करके गई जिसने बुत परस्तों को हक परस्त बना दिया। बड़ी अजीम तबलीग फरमाई मोहद्दिस से आदम ने, दुनिया को अमलो किरदार का बेहतरीन नमूना पेश किया और इस राह में बड़ी मशक्कतें उठाई, बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की, पूरी जिंदगी सफर। आज भी वो लोग मौजूद है जिन्होंने मुहद्दिस आजम के साथ सफर किया। आखिरी वक्त भी हालत है सफर में पहुंच रहे हैं, दुखियों का दुखड़ा सुन रहे हैं, जो गुमराह है उन्हें हिदायत दे रहे। आराम नहीं फरमाते थे मुहद्दिस आजम, रातों रात जलसा उनके साथ रहने वालों ने जिक्र किया है, शायद ही कोई ऐसी रात साल में होती थी जिसमें मुहद्दिस आजम का खिताब न होता, शायद ही ऐसा कोई दिन होता था जब मुहद्दिस आजम दुखियों के दुखड़ों को सुनते नजर न आ रहे। बहुत मशक्कत, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए, खुद फरमा भी गए कि दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहां मिलती है तुर्बत के सिवा। मुहद्दिस आजम फरमाया, उन्होंने अमल भी किया, फरमाते हैं चैन की नींद कहां मिलती है तुर्बत के सिवा। लेकिन इस आशिक़े मुस्तफा को देखो, ये तुर्बत वाली चैन की नींद चाहता तो है मगर मदीने की गली में। मुहद्दिस आजम ये चाहते हैं मेरा दम टूटे तो मदीना मुनव्वरा में, इसीलिए फरमा गए मौत आए तो दरे पाके नबी पे सैयद, इश्क मौत आए तो दरे पाके नबी पे सैयद, आरजू थी ये मुहद्दिस आजम। मुहद्दिस आजम
चाहते थे कि उन्हें भी मुस्तफा का दयार मिले, यही आरजू लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। दुनिया वाले देख रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में कह के गए थे कि मौत आए तो दरे पाके नदी पे सही है, जब ये बात है तो वापस क्यों आए। आरजू लेकर गए, वहां मुस्तफा के सामने खड़े होके ये दुआ की होगी, ये अर्ज किया होगा कि ए नबी अपने दयार में जगह दे। नबी ने ही फरमाया होगा कि शहजादे अभी तुम्हें मेरा काम करना है। जवाब मिल गया, जो मदीने में दफन होने की आरजू रखते थे वो मदीने से इसलिए वापस आए के फरमा रहे मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। हम क्यों जमा हुए, ये जश्न क्यों मनाया जा रहा। आरजू थी मदीने में रहने की, मगर मदीने का काम वापस ला रहा। मुहद्दिसे आज़म वापस आए और दुनिया ने देखा जो चीज कह के आए, जो वादा करके आए उसे निभाया। जो वापस आए मदीने का काम करना, क्या काम, हजारों गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना था, मदीने का काम करना था, लाखों गुमराहों को हिदायत देना था, मदीने का काम करना था, बेशुमार गुनाहगारों को नेकूकार बनाना था, मदीने का काम करना था, न जाने कितने बेसहारा लोगों को सहारा देना था, मदीने का काम करना था, न मदीने का काम करना था, मारिफुल कुरान की शक्ल में कुरान के पैगाम को घर घर पहुंचाना था, मदीने का काम करना था, अपने घराने अहले बैत गौस ख्वाजा मखदूम अशरफ के फैजान को बर सगीर में आम करना था। पूरी जिंदगी मदीने का काम करते रहे, जब तक जिंदा रहे मदीने का काम करते रहे, जिंदगी का एक एक क्षण एक एक सेकंड एक एक लम्हा मदीने के काम में गुजरा, और जब मौत आई तो मौत भी मुहद्दिसे आज़म को मदीने का काम करने से ना रोक सकी, बल्कि मौत के वक्त मुहद्दिसे आज़म ने मदीने का एक और अजीम काम यह कर दिया कि अपनी मौत के वक्त मोहम्मद मदनी की शक्ल में अपने को फिर जिंदा कर दिया। यह है मुहद्दिसे आज़म, जो मुहद्दिसे आज़म की मौत का इंतजार कर रहे थे मायूस हो गए, और जिन्हें मायूसी का खौफ था खुश हो गए। वो बदअकीदा लोग जो समझते थे मुहद्दिसे आज़म चले जाएंगे सिलसिला हिदायत बंद हो जाएगा, का ये शहजादा जिस तेजी के साथ तबलीग कर रहा है उस तबलीग पे असर पड़ जाएगा, वो मायूस हो गए। और कुछ लोग जो मुहद्दिसे आज़म के आशिक थे, मुहद्दिसे आज़म के साथ चल रहे थे, उन्हें फिक्र लगी हुई थी कि मुहद्दिसे आज़म के बाद हमारा क्या होगा। दोस्तों ये सच है, हर खानकाह से लोगों तक फैज पहुंचा है और पहुंचता रहेगा, मगर ये भी सच है कि आज बहुत सी ऐसी भी खानकाहें हैं, बहुत से ऐसे भी उलूम और फुनून के जो कभी मराकिज रहा करते थे, इल्म और फन के जो मरकज कहलाया करते थे, बहुत से ऐसे भी हैं जिसमें आज सन्नाटा नजर आ रहा है, जिसमें सूनापन दिखाई दे रहा है। मुहद्दिसे आज़म कुर्बान जाओ उन पर कि सिर्फ अपनी जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में अपने साथ रहने वालों को ही फैजयाब नहीं किया, बल्कि हमको और आपको जिसने मुहद्दिसे आज़म को नहीं देखा, मुहद्दिसे आज़म ने उसे भी मायूस नहीं किया, क्योंकि अपने रूहानी मैकदे से एक ऐसा जाम अता किया जो शेखुल इस्लाम बनकर सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। हुजूर शेखुल इस्लाम।
अवाम खवास जिन्हें इमाम हमाम कहे। हुजूर मुफ्ती आजम जब देखे तो शहजादा कहे। मज़ारे आला हज़रत ग़ज़ाली दौरा जैसा मुहक्किक उन्हें रईसुल मुहक्किकीन कहते हैं। अहले सुन्नत उन्हें अपना आका कहे, मौला कहे। हम सबको नाज है अपने पीर पर। गुजरातियों को, बंगालियों को, साउथ अफ्रीका और बरतानिया, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के लोगों को, तो जिस सिलसिले से वाबस्ता होता है उसको अपने पीर पर नाज। मगर हमारा और तुम्हारा पीर वो है। अरे मुरीद को पीर पर नाज हो ये बड़ी बात नहीं। शेखुल इस्लाम के पीर को देखो। अरे वो पीर जो रूहानियत का बादशाह हो। बेशक बेशक। वो पीर वाह वाह जो इल्म और अमल का ताजदार हो। बेशक बेशक। मुत्तकियों का सरदार हो। बेशक। जिसका नाम मुख्तार हो। वो कहता नजर आ रहा है, वो शेखुल इस्लाम पर, मोहम्मद मदनी पर नाज कर रहा है और कह रहा है हश्र के दिन खुदा मुझसे पूछेगा मुख्तार क्या लाए हो, तो मोहम्मद मदनी को कह। मामूली बात नहीं, इसे मामूली खजाना मत समझना जो आज आप लोगों ने हासिल किया है। मगरिब पार शेखुल इस्लाम के हाथ में अपना हाथ देखा। हर वली का फैज तुम्हें शेखुल इस्लाम की बारगाह से मिल जाएगा। जो के मखदूम मशरक की सुन्नत अदा की, वतन को छोड़ के हिंदुस्तान आए। शेखुल इस्लाम मखदूम मशरक का बेटा कचोक्षा को छोड़ के अहमदाबाद में आया। क्यों? क्योंकि गुजरात के औलिया ने मोहम्मद मदनी शेखुल इस्लाम को मखदूम अशरफ से मांग लिया। औलिया गुजरात, उलमाए गुजरात ने सुन्नियत के जिस मिशन को चलाया था उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शेखुल इस्लाम को चुना। इसीलिए हम देखते हैं वलियों की बारगाहों में अगर शेखुल इस्लाम के वसीले से दुआ की जाए तो कबूल हो जाती है। अरे ये वली ये आरिफ इन सालिकीन की बात नहीं जो खुदा के इश्क में अपनी अखलू को खो बैठे हैं। उन मजदूबों की बात करो। कर्नाटक की धरती पर एक दिन एक मजदूब जो सिरा करता था, लोगों से दूर भागा करता था, लोगों को डांटा करता था, आज पता नहीं किस मस्ती में है और कह रहा है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारा शेर आ रहा है, आज हमारा बादशाह आ रहा है। बात यहीं तक नहीं है, आओ वलियों के ताजदार से पूछो, सुल्तानुल हिंद से पूछो, गरीब नवाज की बारगाह में आओ। तुम्हारे इस मजमे में दो ऐसे आदमी तो वो मौजूद हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, एक कातियाबाड़ और एक फारूक का। उनके जैसे ना जाने कितने लोग होंगे। पूछो उस फारूक के रहने वाले से, उसे एक पीर बाहक की तलाश थी। वो मुर्शिदे बरहक की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। अजमेर पहुंचा, गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दी। गरीब नवाज से अर्ज किया, सरकार मुझे पीरे कामिल चाहिए। उसी रात ख्वाब में गरीब नवाज की तरफ से इशारा आता है, अरे इधर उधर क्या फिरता है, जाके मोहम्मद मदनी का मुरीद हो जा। वक्त बहुत होता जा रहा है, बस एक बात कह के अगर इजाजत हो तो मैं खत्म कर दूंगा बात। देखिए जी हमारे बात भी मौजूद हैं लोग, इसलिए फिर कभी सुनेंगे इंशाल्लाह। Yeah!
लोग अपने वतन की खिदमत करने वालों को भूलना नहीं चाहते। जिसने किसी कौम की खिदमत की तो कौम वाले उसे भूलना नहीं चाहते, इसीलिए आप देखते हैं चौराहों पे स्टैचू बना दिया। स्टैचू, मूर्तियां, तिमसाल क्यों? लोग ये बताना चाहते हैं, ये जाने वाले, तूने हमारी कौम की खिदमत की, तूने हमारे वतन की खिदमत की। हम नहीं चाहते थे कि तू मरे, मगर जिंदगी पर हमें कुदरत नहीं दी गई, हम तुम्हें बचा नहीं सके। लेकिन ये देख ले जाने वाले, ये तेरा तिमसाल, तेरी मूर्ति, तेरा स्टैचू हमने इसलिए बनाया है ताकि तू जान ले कि हम तुझे भूलना नहीं चाहते, तुझे मरते नहीं देखना चाहते। इसीलिए आप देखेंगे कहीं कहीं एकदम हाथ ऐसे खड़ा रहेगा, लेकिन मुर्दे को अगर खड़ा करो तो खड़ा हो जाएगा ना, हाथ भी खड़ा करते हैं। नहीं, ये मुर्दा नहीं है, है मूर्ति। मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये जाने वाले, हम तुझे मरते नहीं देखना चाहते, मगर जिंदगी और मौत पर उन्हें कुदरत है। तो जब कौम की खिदमत करने वालों के जज्बात ये, वतन की खिदमत करने वालों के बारे में वतन के रहने वालों की इच्छा और ख्वाहिश और जज्बात ये, बिला तमसील खुदा तो बहुत बुलंद बाला, उसकी शान तो बहुत ऊंची। वतन की राह में कुर्बानी देने वालों की ये सोच, खुदा की सोच, खुदा अपनी शान कुदरत के मुताबिक, रब करीम बहुत बुलंद बाला, वो भी अपनी राह में कुर्बानी देने वालों को मिटाना नहीं चाहता। वो भी नहीं चाहता कि मेरी राह में कुर्बानी देने वाले मरे। खुदा अपनी राह में कुर्बानी देने वालों को मरते नहीं देखने चाहता, मगर ये खुदा की वो जात है जो जिंदगी और मौत पर कुदरत भी रखती है। इसीलिए उसने ऐलान कर दिया कि मेरी राह में कुर्बानी देने वालों को मुर्दा मत समझो, बलाहिया बल्कि वो जिंदा। अब वो जिंदगी कैसे, हदीस पाक में देखो, इस हदीस के टुकड़े के साथ किताब को खत्म करूंगा। मसलुल्लजी यकुरु रब्बहु वल्लजी ला यकुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यत, वो जो खुदा का जिक्र करता है और वो जो खुदा का जिक्र नहीं करता, उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। जो खुदा का जिक्र करता है और नहीं करता है, यानी जो करता है वो जिंदे की तरह और जो नहीं करता वो मुर्दा की तरह। उलमाए किराम बखूबी जानते हैं, ये नहीं सरकार ने फरमाया कि मसलुल्लज़ी यस्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यस्कुरु रब्बहु मसलुल्लज़ी यहया व यमूत, मसलुल हय्य वल मय्यत। फेल का इस्तेमाल नहीं, वर्ब नहीं, क्रिया नहीं, सिफात। खुदा का जाकिर और जो खुदा से गाफिल हो, सिफत का सेगा इस्तेमाल। हाय और मैत, यहया यमूत नहीं कहा, क्योंकि यहया और यमूत में जमाना पाया जाता है। यहया के साथ किसी की जिंदगी बताओगे तो किसी एक जमाने में जिंदगी होगी, और जब किसी की जिंदगी हाय के साथ कही जाए तो मतलब हमेशा जिंदा। तो जो खुदा का जिक्र करता है वो हमेशा जिंदा, जो खुदा के जिक्र से गाफिल वो हमेशा मुर्दा। यानी धरती पे चलने वाले को, हरकत करने वाले को जिंदा मत समझो। जो बाजारों में घूम रहा है, जो खेल रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मगर इस हदीस की रोशनी में अगर वो खुदा से गाफिल है, अगरचे उसकी सांस चल रही हो, वो मुर्दा, अपनी जिंदगी में ही मुर्दा। और वो जिसने जिंदगी भर खुदा का जिक्र किया, अब वो हमेशा के लिए जिंदा।
जब जाहिरी आयत के साथ धरती पर मौजूद था तब जिंदा, और जब तुम कब्र में उसको लेटा कर उस पर मिट्टी डाल रहे हो तब भी वो जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैसले हुजूर मोहद्दिस आज़म है। अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। तेजी के साथ की जिंदगी और मौत की पहचान क्या है? हम किसे जिंदा कह सकते हैं, किसे मुर्दा? आम तौर पर एक मिसाल से समझ लो कि जो खुद अपनी या दूसरों की मदद कर सके वो जिंदा कहलाता है, और जो अपनी मदद ना कर सके दूसरे की क्या करेगा? बहरहाल अगर अपनी ही मदद कर ले तब भी जिंदा। अगर किसी बस में चंद मुसाफिर जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ उसी वक्त स्पॉट पर डेथ हो जाए उनकी, और कुछ जख्मी हो, तो जो मर चुके हैं ये जख्मी लोग उनसे मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि मुर्दा से मदद नहीं मांगी जाती। बाहर अगर कोई आ रहा जा रहा तो उसी को पुकारेंगे, क्योंकि देख रहे हैं वो चलने वाला जिंदा। तो जिंदा की पहचान कि वो मदद कर सकता है। मुर्दा कौन जो मदद ना कर सके? अगर एक लाश किसी पहाड़ के सामने पड़ी हुई हो, पहाड़ के पत्थर लुढ़क के आ रहे हो, तो वो लाश, वो मुर्दा आदमी अपने को बचा ना सकेगा, क्योंकि मुर्दा हिस्सा ही नहीं। चील कौवे आके उसे नोचेंगे, अपने को बचा ना सकेगा क्योंकि मुर्दा। यही मिसाल है। खुदा का जिक्र करने वाला हमेशा जिंदा, खुदा के जिक्र से जो गाफिल है वो हमेशा मुर्दा। दुनिया देख रही है कि धरती पर चलने वाले ये परेशान नजर आ रहे, मुसीबतों के पहाड़ इन पर टूट रहे हैं, ये अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, अपने को बचा नहीं रहे, बचा नहीं पा रहे हैं। बदअकीदगी और गुमराहियत के चील कौवे इन्हें नोच रहे हैं, मगर अपने को ये बचा नहीं पा रहे हैं। और एक वो है जो कि सौचा की धरती पर कब्र के अंदर लेटा हुआ है, गुजरात से उसे पुकार के कोई आवाज देता है, मौत से आदम मुझे बचाओ, वहीं से उसकी परेशानियों को टाल देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फासले तकदार, फकुरूनी ए बंदो, तुम मेरा जिक्र करो अपनी जिंदगी में, मैं तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा कर दूंगा। वाखिर दावा। अभी अभी आप वली अहद हुजूर शेखुल इस्लाम आस्ताने मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद के नायब सज्जादा नशीन का खिताब समाप्त फरमा रहे थे। हजरत अल्लामा फाजिले बगदाद ने अपनी मुख्तसर और एक जामे तकरीर में साबित कर दिया कि वाकई कल भी खिताबत वाले थे, अब भी खिताबत वाले हैं। इंशाअल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम का इंतखाब हमेशा क़यामत की सुबह तक जारी रहे।